आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लेंदी, सबसे इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सबसे लेंदी टॉपिक और आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पूरा चार्ट मैंने बना दिया है, बस इसको एक्सप्लेन करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना। चलो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास आता है सिमेंटिक बैरियर। अब देखो, वैसे तो चार तरीके के बैरियर्स आ जाते हैं और बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स है। अगर मैं और आप आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो हो सकता है उनमें इन चारों में से कोई एक रीज़न हो जिस वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अब वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, तो चार तरीके के बैरियर्स हैं, आपको याद रखने हैं। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर्स के बाद, और सिमेंटिक बैरियर्स बेसिकली होता क्या है। तो मैंने इनका मेजर रीजन लिखा है, दीज बैरियर्स अगर मेनली ड्यू टू डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये जो बैरियर आते हैं ये समझने समझाने में डिफरेंस की वजह से आते हैं, कि मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ और आप कुछ और समझ रहे हो, तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन हो पा रही अच्छी। तो जब किसी दो लोग या दो से ज्यादा लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन हो पा रही होगी, तो वहां पे जो भी बैरियर्स आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, सिमेंटिक बैरियर्स। अब सिमेंटिक बैरियर्स में कुछ टाइप्स आ जाते हैं, कि ये सभी चीजें सिमेंटिक बैरियर्स में आएंगी। आपने अगर ये समझे तो केस स्टडी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, क्या समझने समझाने से रिलेटेड है। अगर हाँ तो फिर इसमें आएगा। अब क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। कई बार क्या होता है कि जो सेंडर होता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया ना कम्युनिकेशन प्रोसेस में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, जो भेजने वाला है, जो बताने वाला है, वो ही उसको इतनी बुरे तरीके से एक्सप्रेस करता है, इतनी बुरे तरीके से समझाता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। यानी यहाँ पे गलती किसकी है, समझाने वाले की, सेंडर की। तो अगर सेंडर इफिशियंट नहीं है तो वो कुछ गलत वर्ड यूज करेगा, गलत तरीके से समझाएगा, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो वो किस में आएगा, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, एंड इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। तो वो सिमेंटिक बैरियर्स का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही दूसरा आता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला प्राइस और आपने समझ लिया प्राइस, तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं और अलग अलग शब्द हो जाते हैं। ऐसे ही होता है हमारे पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल, तो ये भी दोनों लगभग एक ही तरीके से बोले जाते हैं। तो सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई सारे सिंबल्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम लोग उनका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, तो ये भी सिमेंटिक में आ जाता है बेसिकली, और ये बोला क्या जाता है, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। उसके बाद आता है फॉल्टी ट्रांसलेशंस, काफी शॉर्ट में लिखा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी ट्रांसलेशंस का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उन दोनों की ही लैंग्वेज अलग है, कि सपोज एक इंडिया से है और एक यूएस से है, तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो वी नीड अ ट्रांसलेटर, हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हमारी बात को ट्रांसलेट कर दे। अब अगर वो ट्रांसलेटर ही इफिशियंट ना हुआ दोनों लैंग्वेजेस में, वो ही वीक हुआ हिंदी या इंग्लिश में, तो हो सकता है वो गलत ट्रांसलेट कर दे और मैसेज गलत कन्वे हो जाए, तो वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम कुछ कहना चाह रहे थे और सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो देयर इज ऑल्सो अ सिमेंटिक बैरियर, उसको बोलते क्या है, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फिर आता है टेक्निकल जार्गन। व्हाट इज टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स यानी कि कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनकी अपनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो लोग अपने टर्म्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स की लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, हमारे लिए बेसिकली नॉर्मल पिंपल्स होना पिंपल्स है, बट वो बोलेगा एक्ने वल्गैरिस, तो उनका एक अपना टेक्निकल टर्म है। तो इसी तरीके से अगर एक्सपर्ट लोग टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारे लिए वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके पूरा एक लेक्चर देगा तो वो तो फाइनेंशियल टर्म्स यूज करेगा, आप लोग समझ जाओगे, लेकिन जो साइंस वाले होंगे वो कैसे समझेंगे, वो अगर कैपिटल भी बोलेगा तो वो तो इंडिया का कैपिटल दिल्ली समझेंगे, जबकि कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात हो रही है जो इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस में। तो हो सकता है टेक्निकल जार्गन्स की वजह से भी डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो वो भी सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाता है। उसके बाद आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कई बार आपने कोई बात कन्वे करी और सामने वाले ने बिना उसको समझे खुद ही कुछ अजम्पशंस लगा लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एक डायरेक्टर ने अनाउंस करा कि देयर विल बी इंक्रीज इन द बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बजट में इंक्रीज करा जाएगा।
अब एम्प्लॉयज ने क्या वहां पे अजम्पशन लगा लिया, एज्यूम कर लिया कि वाह हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमारी सैलरी बढ़ेगी, जबकि डायरेक्टर का मतलब क्या था कि हम बजट बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नई मशीन्स ला के देंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स लगाएंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, अच्छी सेल होगी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने खुद ही एज्यूम कर लिया कि हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो इसको बोला जाता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, क्लैरिफाई नहीं करा, बस एज्यूम कर लिया। तो समझने में प्रॉब्लम आ गई या नहीं आ गई, तो ये भी बेसिकली सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाता है। और लास्ट आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। अब बॉडी लैंग्वेज भी मैच करना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको मेरे टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया, आप कह रहे हो हाँ आ गया। अब जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है वो तो ना वाला है, जबकि मैं मुंह से बोल रहा हूँ हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो समस्या है, समस्या है या नहीं है। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी आपके वर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए। आपको मैं कोई जोक सुना रहा हूँ और गुस्से में सुना रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जोक है या गुस्सा चल रहा है, ये पागल तो नहीं इंसान। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज मैच होनी चाहिए किसके साथ, आपके वर्ड्स के साथ। अगर नहीं होगी तो फिर समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग भी किसमें आ जाता है, हमारे सिमेंटिक बैरियर्स में। इसके बाद आते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली क्यों होते हैं, दीज आर मेनली ड्यू टू द बिजी स्टेट ऑफ माइंड। अब देखो बिजी स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं है कि हम काम में बिजी हैं, हो सकता है हमारा माइंड एक्टिव ही ना हो, इनएक्टिव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो इंसान बहुत डरा हुआ है या बहुत गुस्से में है या फिर बहुत खुश भी है, तो अगर इनमें से कुछ भी होगा तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेगा। तभी तो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से में भी और बहुत ज़्यादा खुशी में भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम एक्टिव नहीं है, नहीं सोच सकता। तो अगर आपका माइंड बिजी होगा तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आपको केस स्टडी पे पकड़ना है पॉइंट कि वो समझने समझाने से संबंधित है, रिलेटेड है, या स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आता है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई इंसान कोई बात बोल रहा है और अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई और हम उसको पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि अब ये बोलने वाला है। तो इस तरीके की चीज़ों क्या बोलते हैं, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। फिर आपने सुना होगा कहता अरे रुक जाओ मुझे बात को कंप्लीट करने दो। जैसे सपोज एक मैनेजर आया ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ नई चीज़ अनाउंस करने लगा और एम्प्लॉयज ने एकदम से कह दिया नहीं 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 हम तो खुश हैं हमें चेंज नहीं करना, तो वो बोलता है अरे सुनो तो तुम्हारी फायदे की बात है। तो उनका माइंड ऑलरेडी चेंज नहीं चाहता था, उनका माइंड ऑलरेडी एक स्टेट में था जिसको बदलना नहीं चाहता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब क्या होता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते, आप अटेंटिव ही नहीं हो। कोई कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे स्कूल में गेस्ट लेक्चरर्स वगैरह आते हैं कि वो वैसे ही 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को वो जो फंक्शंस वगैरह चलते रहते हैं उसमें आते हैं ना गेस्ट, आसपास के लोग आ जाते हैं या हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह आ जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बच्चे सुनना नहीं चाहते, तो वो लोग अटेंटिव ही नहीं होते उस बात में, जबकि हो सकता है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन आपका माइंड वहाँ लगा ही नहीं है, तो तब भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाएगा। उसके बाद लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लॉस बाय ट्रांसमिशन, ये कह रहा है कि अगर कम्युनिकेशन फ्लो कर रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो हो सकता है कि ई तक पहुंचते पहुंचते एक पॉइंट ये भूल जाए, एक ये भूल जाए, एक ये भूल जाए, अब चले थे यहाँ से 10 पॉइंट जबकि यहाँ तक आया सिर्फ 7। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रांसमिशन जब लॉन्ग होता है, काफ़ी लंबा समय होता है, तो ट्रांसमिशन रास्ते में ही कई सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बाय ट्रांसमिशन। अब ये जो भूले हैं ये क्यों भूले हैं, बिकॉज ऑफ अवर माइंड पुअर रिटेंशन, हम रिटेन नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन रिटर्न हो तो बेटर है, अगर ओरल होगा और आप रिटेन नहीं कर पाए तो फिर वो साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाएगा, पॉइंट समझे। इसके बाद आता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट ही ना हो, या वो समझे कि मैं इससे क्यों सुनूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं, उसको यकीन ही नहीं है, तो तब भी उसको लगेगा कि यार नहीं इससे बात करना बेकार है। तो वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल बैरियर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके माइंड में एक ऐसा फ्रेम बना हुआ है अपने सबॉर्डिनेट के लिए कि वो उसको अच्छा मानता ही नहीं है या उसकी सजेशंस को सुनता ही नहीं है, तब भी हमारे पास डिस्ट्रस्ट एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन के आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ही ऐसा है कि हम फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो सब इसमें आ जाता है। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है,
यहाँ स्ट्रिक्ट फॉर्मलाइजेशन चलता है कि जो भी बात होगी वो स्ट्रिक्ट मैनर में होगी, इसी ऑर्डर में होगी। तो हो सकता है कि कोई अपनी बात रखने से पहले डरे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पता चल जाएगा ये बात किसने करी है। हो सकता है कि सी के पास कोई अच्छा सजेशन हो जो वो ए को देना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि बी उसकी बात ए तक पहुंचाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है वहाँ पे, उनकी पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमी है, तो वहाँ पे भी बात प्रॉपर होगी नहीं। या फिर रूल्स और रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। अगर लोअर लेवल को कोई भी बात टॉप तक पहुंचानी है तो वो नहीं पहुंचा सकते, उसको पहले किससे करना होगा, मिडल से ही बात करना होगा। तो ये रूल कहीं ना कहीं हार्मफुल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपके रूल्स काफ़ी रिजिड है, आपके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। थर्ड होता है स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस का मतलब वही है जो बेसिकली हमने सुना था कि हमारा जो सुपीरियर है वो अपने आप को ही सुपीरियर समझता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को सुनना ही नहीं चाहता। वो बोलता है कि सबॉर्डिनेट है कौन मुझे सजेशन देने वाला, मुझे तो सब पता है, मैं उसकी बात क्यों सुनूं। तो बेसिकली ये स्टेटस फील करता है कि मेरा तो बहुत हाई स्टेटस है और इसका कोई स्टेटस नहीं है। तो अगर स्टेटस डिफरेंस आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके यहाँ ऐसे लोग काम करते होंगे, तब भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बात करने का जो प्रोसेस है वो ही कॉम्प्लेक्स है, आप बात ही नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने स्ट्रिक्ट वहाँ पे एक्शंस दिए हुए हैं कि अगर कोई गलत बात करेगा, गलत सजेशन देगा, तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे, उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को काफ़ी कॉम्प्लेक्स रखा है, आप करने नहीं देते हो आसानी से, तो रिजिड रखा हुआ है। तो वहाँ पे भी ये मेनली ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के बीच में ये आ जाता है। लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। अब आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे सजेशन बॉक्स। कुछ अगर सजेशन है तो सजेशन बॉक्स में पर्ची डाल दो चुपचाप। कंप्लेंट बॉक्स, आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, तो सजेशन बॉक्स में अपने सजेशंस लिख सकते हो, कंप्लेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। फीडबैक बॉक्स, अपने फीडबैक दे सकते हो। लेकिन अगर ये सब नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक एम्प्लॉई या एक सबॉर्डिनेट बात करते हुए डरेगा कि कहीं ना कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए। ये उसका एक पर्सनल अप्रोच है, पर्सनल एक फियर है उसके अंदर, वो उसका पर्सनल बैरियर में भी आता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो फैसिलिटीज ना होने की वजह से बात अच्छे से नहीं हो रही, उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। लास्ट आते हैं हमारे पास पर्सनल बैरियर। इसमें कौन कौन से होते हैं? मेनली ड्यू टू पर्सनल बिहेवियर। हमारा एक इंडिविजुअल थिंकिंग, एक इंडिविजुअल बिहेवियर की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स को ही हम पर्सनल बैरियर्स में इंक्लूड करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। सुपीरियर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सुपीरियर कहता है कि नहीं ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। जैसे यहाँ डिस्ट्रस्ट था ना स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, तो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें कि बेसिकली वो बेकार ही समझता है कि ये तो ख़त्म है, ये किसी काम का नहीं है, तो वो उसका एक पर्सनल सोच है जिस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो वो किस में आ जाएगा? पर्सनल बैरियर। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, आप अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं देते हो, कोई उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उसको ऐसा लगता है कि मैंने एक सजेशन भी दिया अच्छा, जिसके बदले मुझे कुछ मिला भी नहीं। देखो हर इंसान, कोई भी इंसान काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग एक लाइक का बटन दबा देते हो तो एक बहुत अप्रिसिएशन फील होता है कि हाँ लोगों को अच्छा लगा, ठीक है ना। तो हर इंसान जो कुछ भी काम करता है तो उसको लगता है कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिले, इंसेंटिव मिले। अब अगर एक एम्प्लॉई ने कुछ सजेशन दिया, उसको इंसेंटिव नहीं मिला, तो वो आगे से नहीं बात करेगा, नहीं देगा सजेशन। तो इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। तीसरा, फियर ऑफ अथॉरिटी। आपसे फीडबैक मांगा गया लेकिन ये कहा गया कि फीडबैक अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कई जगह कहा जाता ना कि अच्छी अच्छी बातें ही लिखना फीडबैक में, कोई चीज़ गलत मत लिख देना, गलत लिखोगे तो नौकरी जाएगी। दूसरी बात, एम्प्लॉई लिखते हुए भी डरता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मुझे निकाल ना दिया जाए, मेरी बात ना बुरी लग जाए। तो अगर आपके यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, फियर ऑफ अथॉरिटी रहेगा, तब भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और लास्ट होता है अनविलिंग टू कम्युनिकेट। कई बार एम्प्लॉई बात ही नहीं करना चाहते, अनविलिंगनेस, वो बात ही नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं विलिंग ही नहीं हूँ, तो वो भी किसमें आ जाता है? हमारा पर्सनल बैरियर में आ जाता है, उसका पर्सनल बिहेवियर की वजह से है। तो बेसिकली ये चार तरीके के बैरियर्स हो जाते हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। उम्मीद करता हूँ आपको सारे बैरियर समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग हो जाता है समाप्त। एक चैप्टर हमारा फर्स्ट पार्ट में और बचता है, वो है कंट्रोलिंग।
मोस्ट प्रोबेबली दो वीडियोस में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम 3 वीडियोस, और उसको कंप्लीट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।